सुने होंगे कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जयंती विशेष भगत सिंह की जयंती है, आप सबको शुभकामनाएं और भगत सिंह को नमन। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि छात्र और राजनीति का क्या रिश्ता है, भगत सिंह क्या उम्मीद रखते थे? इस महत्वपूर्ण मसले पर एक लेख भगत सिंह ने जुलाई 1928 में कीर्ति नामक पत्रिका में लिखा था। आज की तरह, आज जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि छात्रों को गुड बॉय बनना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, बाबू बनना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसी तरीके से उन दिनों भी अनेक नेता विद्यार्थियों को राजनीति में न जाने की सलाह दिया करते थे। इसलिए उनके जवाब में भगत सिंह का यह लेख विद्यार्थी और राजनीति पढ़ा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह लेख मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा उस लेख में कि आज इस बात का बड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान अर्थात विद्यार्थी को राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल न्यारी है। विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस शर्त पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर भेजता है कि कोई पढ़ाने वाला पढ़ने वाला पॉलिटिकल काम में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिकल काम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आगे लिखते हैं कि पंजाब राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम किए हैं? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली हैं? फिर क्या कारण है कि इस मैदान में हम सबसे पीछे हैं? इसका कारण है, स्पष्टीकरण देते हैं भगत सिंह कि इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बुद्धू हैं, बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। आज भी, कल ही मैंने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि आपके सिलेबस में गड़बड़ी है, वो आपको पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं करता। वही बात भगत सिंह 1928 में ये लिख रहे हैं कि छात्रों को इस संबंध में, राजनीतिक संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता है। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने का मन करता है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने बच्चों से पूछिए कि उनको क्या शिक्षा दी रही है। खाली टेक्निकल शिक्षा देना काफी है क्या? वही बात कह रहे हैं कि उन्हें आज अक्ल से अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है,
उन्हें पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार में सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल है या नहीं है? यदि नहीं तो उस शिक्षा को हम निकम्मी शिक्षा समझते हैं जो सिर्फ कलर्की करने की के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर भगत सिंह कह रहे हैं कि ऐसे कहने वाले लोग को जवाब दे रहे हैं कि बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट है हो जाता है कि एक दिन यह बात इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन एक विद्यार्थी एक पुस्तक का नाम है अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉप्टकिन का लिखा हुआ पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, भगत सिंह यहां कहानी सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है और यह किसी बंगाली नाम का जान पड़ता है। लड़का बोला प्रिंस क्रॉम्पटन की पुस्तक है और बड़ा प्रसिद्ध नाम है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इस नाम से परिचित होना सब प्रोफेसर के लिए बहुत जरूरी था। उसने फिर कहा यह रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो, अर्थशास्त्र की किताब को पॉलिटिकल पुस्तकें कह रहे हैं कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा। देखिए प्रोफेसर की योग्यता, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर मिलेंगे, सराव उनको समझने की कोशिश कीजिए। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को ऐसे प्रोफेसर से क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवानों को क्या सीख दे सकते हैं? आगे भगत सिंह लिखते हैं, बहुत दिलचस्प लेख है, सुनते जाइएगा, पूरा सुनिएगा। व्यवहारिक राजनीति की बात होती है, अभी भी होती है, तो कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वो पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देश के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। आप मतलब यहां समझिए, दिनचर्या, आपके जीवन के हर चीज राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिक्स से के मैदान में ही गिनी जाएगी। फिर यह पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? वायसराय का स्वागत करना, यह भी पॉलिटिक्स हुई और गांधी की भी पॉलिटिक्स हुई। फिर सवाल तो सरकार की खुशी और नाराजगी का हुआ, क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का चमचागिरी, खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं तब तक वफादारी करने वाला वफादार नहीं है। तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी की पाठ पढ़े? समझिए कि जब तक यहां विदेशी डाकुओं का शासन, कह रहे हैं भगत सिंह। आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी मानते हैं कि ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह ताउम्र देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दे अपने आप को। लेकिन क्या बुड्ढों से ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्वेश्चन मार्क भगत सिंह का है, मेरा नहीं। क्या बुड्ढों से ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों
में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो नौजवान ही निकल सकते हैं, जवाब दे रहे हैं, यह तो नौजवान ही निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कोई व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी के पर्चों का घोटा न लगाया, समझिए, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी के पर्चों का घोटा न लगाया। आगे इंग्लैंड से उदाहरण देते हैं इस लेख में। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ संघर्ष के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब ऐसे जो भाषण देने वाले लोग हैं वो कहां थे जो कहते जाओ शिक्षा हासिल करो, ऐसे नौजवानों को कहते कि जाओ शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह के बरदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? देखते हैं उनकी तुलना में पंजाब विश्वविद्यालय कितने योग्य आदमी पैदा करता है। सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के नौजवान और विद्यार्थी ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? अलग थलग रहकर अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवानों, नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार को नहीं भूल सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें, अपने प्राण को इसी में उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। ये था भगत सिंह का वो लेख। नौजवानों से पढ़ने के साथ साथ बेहतर राजनीति कौन कर सकता है जिसको पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, जो राजनीतिक शास्त्र इतिहास जो पढ़ सकता है, समझ सकता है, वही बेहतर राजनीति भी कर सकता है। इसलिए भगत सिंह नौजवानों से आह्वान कर रहे थे कि पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन जरूरत पड़े तो राजनीतिक बदलाव के लिए आंदोलन भी करो। आज हम सब अपने बच्चों को एक व्हाइट कलर जॉब दिलाने के पीछे पागल रहते हैं और चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, सबको एक सिंबॉलिक के तौर पर सिर्फ जन्मदिन उस दिन याद करते हैं। आखिर उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्या गले में माला और विचारों पर ताला है? नौजवान इस देश का बहुत भारी संख्या में उसको पढ़ना चाहिए, खूब साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए, यही आह्वान भगत सिंह कर रहे थे। अगर उनको सच्ची आदरांजलि देना है तो बच्चों को राजनीति शास्त्र और इतिहास का ज्ञान जरूर दिलाएं। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम, जय भगत सिंह।